जो पॉडकास्ट आया है कि साइक्लोन निसर्ग दमन के कोस्ट को आज दोपहर से लेके 4 तारीख तक जो वार्निंग है उसके लिए प्रशासन ने मुस्तैद कदम उठाए हैं। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जितने भी लोग कोस्टलाइन के पास रहते हैं उन सब लोगों को हम वहाँ से इवैक्यूएट करके रिलीफ कैंप में लेकर जा रहे हैं। जितने भी और लोग हैं जो कि कच्चे घर में या किसी ऐसे मकान या बिल्डिंग में रहते हैं जिसकी तेज़ गति की हवा से चलने से कोई भी हानि हो सकती है, उनको भी हम इवैक्यूएशन कैंप में शिफ्ट कर रहे हैं। हमने सेक्टर वाइज टीम्स ऑलरेडी बना दी हैं जो कि फील्ड पर रहेंगी और कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी को आती है उसको वो लोग हैंडल करेंगे। खास ख्याल इस चीज़ का रखा गया है कि हमारे इवैक्यूएशन कैंप में भी, इवैक्यूएशन के दौरान भी और जब वो लोग वहाँ पर रहेंगे उस टाइम पर सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालना की जाए। इसमें साइक्लोन में तेज़ गति से 110 से 120 किलोमीटर पर आर की गति से हवा चलने का पूरा प्रेडिक्शन है। साथ में बारिश भी होगी और थंडर स्टॉर्म जो बिजली चमकने की भी आशंका है। सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप पैनिक नहीं करिए, जो भी जिला प्रशासन गाइडलाइंस आपको दे रहा है उसको फॉलो करिए। स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें NDRF की 2 टीम भी प्रशासन का साथ दे रही हैं और वो लोग भी हमारे साथ इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि लोग अपने घरों में तैयार रहें। कोई भी लूज चीज़ अगर घर के बाहर है, घर के आसपास है, कोई गमले दीवारों के ऊपर पड़े हैं तो उसको अभी से उठाकर एक सेफ़ जगह पे रख लें ताकि ना तो वो उनको हानि पहुंचाएं ना किसी और आदमी को। कोई भी आदमी जिसको कोई एसेंशियल काम नहीं है वो इस टाइम पे घर से बाहर ना निकले और जब तक साइक्लोन की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक वो लोग अपने घरों में ही रहें।